हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 की एग्ज़ाम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। और दोस्तों, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपके बेस्ड होंगे यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों हमने जैसे पहले ही बात किया था यहाँ पर कि टोटल आपके 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। सो ऑलरेडी हम 13 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद के क्वेश्चन ये पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पर हम जो वर्ग 3 की जो तैयारी है, तो उसमें हम लोग उद्देश्य बना के रखे हैं कि इस बार किसी भी हाल में हमको अपना सिलेक्शन लेना है। दोस्तों अगर आप इंदौर में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आपकी संविदा वर्ग 3 के बारे में, तो इससे जुड़े हुए जो आपके डाउट्स वगैरह हैं वो आप उन्नति एकेडमी की हेल्पलाइन पर ले सकते हैं। आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 8817972117। ठीक है, सो आपको कोई भी डाउट्स हो फॉर्म भरने के बारे में, इससे संबंधित चीज़ों के बारे में, तो आप बेहिचक इस पर कॉल करें और यहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है आपको यहाँ पर, हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है। ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पर, पौधे की बहुत सी संस्कृति, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सब्जियों के अध्ययन से। सो दोस्तों आप मुझे कमेंट में आंसर बताएं कि हाइड्रोफोनिक्स का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। एग्जैक्ट दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपको यहाँ पर ए आंसर। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफोनिक्स का जो संबंध होता है वो होता है आपको यहाँ पर पौधों की प्रजातियों से। ठीक है, सो याद रखना यहाँ पे हाइड्रोफोनिक्स जो है आपका पौधों की बहुत सी प्रकार की जो संस्कृति हैं, पौधों की जो प्रजाति हैं, तो उस प्रकार के तालमेल से संबंध इसका रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है। आपको याद रखना है यहाँ पर ये जवाई, सवाई मत कर देना, सवाई माधोपुर अलग है। ठीक है, सो जवाई के जंगल किस प्रदेश में, यानी कि किस राज्य में आपके जवाई के जंगल हैं। आपको ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। दोस्तों मुझे कमेंट में आंसर बताएं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में आपने नाम सुना होगा, पाली जिला है, तो ये पाली जिले के अंतर्गत आता है और इसी को यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व स्टेटस का भी स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पर कि जो जवाई के जंगल हैं वो कहाँ पड़ते हैं, आपके यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। आपको यहाँ पे ऑप्शन गिवन है आपके, राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, सो जो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज है तो उसको धीमे धीमे करके कैसे ख़त्म करें, तो यहाँ पर बात की है एक्शन प्लान में क्या हिस्सा नहीं लिया है। राष्ट्रीय जल मिशन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राइट मिशन और सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपको यहाँ पर, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसको जलवायु परिवर्तन के एक्शन प्लान में शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है। ग्रीन इकोनॉमी यानी कि आपकी हरित आर्थिक व्यवस्था, बट इसको इंग्लिश में आप याद रखें यहाँ पर ग्रीन इकोनॉमी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि आपका ये UNEP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन और IUCN। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीन इकोनॉमी की जो टर्मोलॉजी है वो 2011 में आई है। ठीक है, सो इसको जो लॉन्च किया था, मतलब वो किसके द्वारा आई है, यहाँ पर UNEP के द्वारा आई है। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पर UNEP के नेतृत्व में ग्रीन इकोनॉमी का क्या हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है। ऑप्शन गिवन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार। ठीक है, सो बात करें यहाँ पर पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सर्वाधिक
संवेदनशील जो जगह हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर जो सरकार ने खोज की है वो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं महाराष्ट्र का जो सर्कल है तो वो वेस्टर्न घाट का जो पार्ट आता है आपका पश्चिमी घाट वाला सर्कल पार्ट आता है, तो यहाँ पर कई सारे जैव विविधताओं का पार्ट देखा गया है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रसिद्ध है ये। ठीक है सो याद रखें इसका आंसर जो होगा वो होगा आपके यहाँ पर महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? आपको यहाँ पे ऑप्शन गिवे है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है सो दोस्तों बात की जाए गंगा डॉल्फिन, डॉल्फिन के बारे में अपन बात कर लेते हैं, पर डॉल्फिन जो है आपका गंगा डॉल्फिन इसको यहाँ पे एक नाम से और जानते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे गंगा का एक्शन टाइगर। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर हम? गंगा का एक्शन टाइगर भी इसको बोला जाता है, और ये हमारे यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है याद रखना आपको यहाँ पर कि आपकी जो डॉल्फिन है वो क्या है, आपको यहाँ पर राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर जो डॉल्फिन का संरक्षण है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण इलाहाबाद के बाद का जो सर्कल है यानी कि जो प्रयागराज है तो वहाँ पर जो डॉल्फिन की संख्या धीमे धीमे काफ़ी कम होती गई, तो इनका संरक्षण अभी हाल ही में जैसे बिहार की हुगली नदी के सॉरी बिहार नहीं आपका जो पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है तो उस वहाँ पर भी किया जा रहा है। एक चीज़ और याद रखें यहाँ पर मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में डॉल्फिन का संरक्षण जो किया जा रहा है वो भिंड में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? भिंड में, और भिंड के आप पे कहाँ पर किया जा रहा है? चंबल नदी पर किया जा रहा है। ठीक है सो इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो और बनाएंगे हम लोग यहाँ पर जो कि आपका इसी से जुड़ा होगा। ठीक है सो अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि जो विक्रमशिला गंगा और डॉल्फिन है उसका जो पार्ट है वो कहाँ पर है आपका? बिहार में। ठीक है और याद रखें यहाँ पे गंगा को डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों आप मुझे कमेंट बताएं कि राष्ट्रीय डॉल्फिन डे हम लोग कब बनाते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस जो है यानी कि आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है आपका वो हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है और इसके अलावा आपको एक और कमेंट में बताना मुझे कि हम लोगों ने कब डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस तंत्र से संबंधित है? आपके यहाँ पर ऑप्शन गिवन है क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और आपका जेनेवा प्रोटोकॉल। सो यहाँ पर पूछा गया एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है, सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको यहाँ पर नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है क्योंकि नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है और इस पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो 2000 आपके 10 में हुआ है। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भोपाल को, नागपुर को, मैसूर को और लखनऊ को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पर नागपुर। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 2 3 के फॉर्म में है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ सुधार केंद्र। ठीक है अब आपको बताना कि ये जो संस्था है मतलब इनके जो हेड मतलब मुख्यालय है वो कहाँ कहाँ पर है, जबकि बात करें यहाँ पर जैसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता है तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली में, मैक्सिको में, फिलीपींस में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर करना है, काफ़ी टफ क्वेश्चन होता है अगर इस प्रकार से आते हैं। सो देखो दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ए, क्योंकि मेरे को बस एक चीज़ याद है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का जो मुख्यालय बना है वो इटली की राजधानी कहाँ पर बना हुआ है? रोम में बना हुआ है। ठीक है कई बार एग्जाम पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट यहाँ पे दो के जो पार्ट हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है कहाँ पर? फिलीपींस में, जबकि आपका अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ सुधार केंद्र जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? आपका मैक्सिको में बना हुआ है। ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? ये रिपीट हो रहा है आपका, तो ये आपका इटली के रोम में बना हुआ था, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रोम। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर CITES साइट्स किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पर
पर्यावरण संरक्षण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, यानी कि आपका हम बात करें यहाँ पे हिंदी में से जर्नलिज्म को अपन बोल सकते हैं यहाँ पे पत्राचार, या फिर जनरली बात करें मीडिया बोल सकते हैं, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों बात करें यहाँ पे साइट्स का जो संबंध है वो है आपके यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण से, ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो साइट्स का जो फुल फॉर्म है वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर स्पीसीज, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है यहाँ पर क्या करना, व्यापार करना, ठीक है, और इंडेंजर स्पीसीज यानी कि जो ऐसी प्रजातियाँ जो धीमे धीमे क्या है, बिल्कुल संकटग्रस्त प्रजातियाँ जो धीमे धीमे क्या है, विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। जनरली अपन बात करें यहाँ पे कि भारत में टाइगर्स हैं, ठीक है, तो टाइगर जो हैं वो क्या है कि इनका शिकार किया जाता है और इनके जो अंग रहते हैं इनको क्या कर दिया जाता है कि यहाँ पे मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दिया जाता है, ठीक है। अब मान के चलो कि भारत से टाइगर्स को मार के अगर चाइना में लेके जाके बेचा जा रहा है, तो सिंपल सी बात, चाइना की सरकार का भी तो फर्ज बनता है कि इस प्रकार के जो ट्रेड्स को वो रोके। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर साइट्स बनाई गई है, और जिसका उद्देश्य ये है कि आपके जो व्यापार हो रहा है मतलब जानवरों का, उस पर क्या किया जाए, नकेल कसी जाए, यानी कि उनको रोका जाए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ओजोन परत के 6 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पर, वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल और कैरोसिन, ठीक है। सो दोस्तों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है आपका, यानी कि आपका CFC, ठीक है, सो यहाँ पर ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है वो निकलता है आपका प्रतिशतों से, यानी कि आपकी जो ठंडा करने वाली जितनी भी मशीन है आपकी, ठीक है, तो ठंडे करने वाली जितनी भी मशीन है तो उनसे क्या है यहाँ पर कि आपका CFC का उत्सर्जन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन गिवन है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। सो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपको यहाँ पर समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ये कच्छ की खाड़ी जो कि आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। सो कच्छ की खाड़ी में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी आपके, 1982 में की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है आपका यहाँ पर, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर सो ये आपका भूमध्य रेखा का पार्ट हो गया, ये सर्कल जो हो गया आपका वो कौन सा हो गया, आर्कटिक हो गया, और ये जो नीचे का जो सर्कल है वो कौन सा हो गया आपको यहाँ पर, अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये ध्रुवीय महाद्वीप है और यहाँ पे बर्फ़ का जो चादर है वो जमी रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कोई देश जो है वो किसी के अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं, सबका अधिकार क्षेत्र एक प्रकार से। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई भी जाके खनन कर सकता है, बट जिससे क्या होगा कि आपकी इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण को नुकसान होगा, तो उसका खनन ना किया जाए, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो अंटार्कटिका इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल है उस पर साइन किए गए हैं सदस्य देशों के द्वारा। अब इसको मैं बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस पर जो अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल है इस पर जो साइन किए गए हैं वो स्पेन की राजधानी क्या है आपकी यहाँ पर, मैड्रिड, ठीक है। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 4 अक्टूबर 1991 को किए हैं, ठीक है। सो याद रखना यहाँ पर जो अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल है इसके द्वारा अंटार्कटिका के क्षेत्र को सुरक्षित और संवर्धित रखने के लिए प्रोटोकॉल यानी कि रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है। फास्ट फूड कोई पिज्ज़ा बर्गर जो हमको सबसे बिल्कुल ज़्यादा पसंद रहता है, ठीक है, तो जनरली क्या है फास्ट फूड ही है, तो ये काफ़ी बीमारियों का घर बनाता है शरीर के अंदर, तो इसको कई देश इन समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे मोटापा की समस्या हो रही है ना, तो यूरोपियन कंट्री ज़्यादा जूझ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको यहाँ पर इटली, एक साल पहले न्यूज़पेपर की खबर है ये, सो उसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपको यहाँ पर केरल, ठीक है।
तो परम्बिकुलम जो वन्यजीव अभयारण्य है केरल के पलक्कड़ जिले में है, जो कि आपका 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन होता है, ऑप्शन के बना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री और उपराष्ट्रपति। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आ चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमको क्या लगता है कि वन्य जीव से संबंधित तो पर्यावरण मंत्री देखेगा, बट ऐसा नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो कौन होते हैं, आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री जी होंगे। ठीक है, सो आप इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ग्रह GRIHA ग्रह मानक किससे संबंधित है? ठीक है, जैसे जनरली आपने देखे होंगे यहाँ पे ISI का मानक होता है, आपका इको मार्क होएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका ग्रह जो मानक है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन के बना जल मानक, पर्यावरण मानक, आर्किटेक्चर मानक और इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपके यहाँ पर पर्यावरण मानक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट। क्या फुल फॉर्म है इसका? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ठीक है, सो ये जो ग्रह है आपका मानक पर्यावरण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन रहते हैं इस प्रकार के, तो इसकी हम पूरी एक अलग से वीडियो लेक्चर सीरीज ही बनाएंगे, वहाँ पर इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तकरीबन 100 से लेकर 200 क्वेश्चन हैं इस प्रकार से, जो इनको इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो निम्न में से क्या पौष्टिक स्तर पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ऑप्शन गिवन है ऊर्जा, संख्या, रसायन और इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों याद रखना यहाँ पर वो होगा आपका ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा क्या रहता है, सीधे रहता है, जो कि हमेशा खाद्य श्रृंखला में क्या है, घटती ही रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि आपका NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, सो दोस्तों ये काफ़ी अट्रैक्टिव पार्ट है, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पर इस प्रकार के पर्यावरण से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए यहाँ पर अलग से क्या बनाया गया है, ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लें होता क्या है कि जनरली आपने सुना होगा कि अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी व्यक्ति विशेष काम कर रहा है तो उस पर एक दंडात्मक प्रक्रिया का प्रोसेस रहता है, जो कि देश की अदालत में चलेगा। ठीक है, आपने कुछ समय पहले सुना होगा एक पर्सन है काफ़ी फेमस है, श्री श्री रविशंकर जी महाराज, तो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था दिल्ली में यमुना नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? आपको यमुना नदी के तट पर। तो काफ़ी संख्या में लोग आए, यमुना नदी को प्रदूषित किया, दूषित किया, तो NGT ने क्या कर दिया, इन पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। ठीक है, सो भारत उन चुनिंदा देशों में आता है जहाँ पर पर्यावरण के मामलों को सुलझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका खुद का एक ट्रिब्यूनल यानी कि एक प्रकार से अदालत का पार्ट बनाया गया है, तो काफ़ी फेमस है ये। तो ऑलमोस्ट वैसे इसकी जो प्रमुख ब्रांच है, मतलब जो प्रमुख हेड ऑफिस है वो आपका कहाँ पर, आपका दिल्ली में है। ठीक है, बट इसकी जो एक ब्रांच है वो आपके यहाँ पर भोपाल में ही बनी है। तो MPTT यानी कि आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो याद रखना। अब जनरली बात करें इसके बारे में कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो उद्देश्य है वो पर्यावरण प्रदूषण को क्या है, नियंत्रण करना है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है आपकी वो 5 मई 2010 को हुई है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बना है, आपको यहाँ पर भोपाल में बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? जिम कॉर्बेट, सॉरी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सो दोस्तों बिली अर्जन सिंह काफ़ी बड़ा नाम है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये नाम तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक शिकारी है। ठीक है, बट इसने एक छोटे साबक यानी कि बाघ का शिकार किया, बट बाद में वो बाघ के शिकार के बाद इनका थोड़ा सा मन पसीजा, और उसके बाद यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने शिकार का जो पार्ट है उसको त्याग दिया यहाँ पर। ठीक है, सो इनका हृदय परिवर्तन हुआ, जैसे कि सम्राट अशोक का हुआ, इतनी सारी हत्याएं करने के बाद तो
एक छोटे से बाघ की, तेंदुए की शिकार के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ है। सो इन्होंने यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क जो है उसकी स्थापना के लिए क्या किया है, अभियान चलाया गया। और इसके लिए यहाँ पर 1976 और 1996 में WWF ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए काम करती है ना। सो याद रखना है इसको। तो यहाँ पर इनको गोल्ड मेडल भी दिया गया और 1995 भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और वहीं इनका जो 2010 में निधन भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, WWF का फुल फॉर्म लिख लो, ये वो फाइटिंग वाला WWF नहीं है, ये आपको यहाँ पर ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है सो याद रखें इसको। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर, पर्यावरण लेखांकन क्या है। ऑप्शन गिना, यह है पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। नेक्स्ट, यह देश की हरी क्षेत्रों का सांख्यिकी विश्लेषण करने का एक तरीका है। उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो पर्यावरण लेखांकन यानी कि हम बात करते हैं ये कि जो प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पे हरित लेखांकन भी कहते हैं। ठीक है, जनरली देखा तो कि हम लोग अकाउंटिंग का पार्ट करते हैं, तो अकाउंटिंग में क्या करते हैं जनरली कि कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, तो उसी प्रकार से पर्यावरण की हमने क्या खपत की है तो उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हरित लेखा जोखा करते हैं, यानी कि हरित लेखांकन करते हैं। ठीक है सो याद रखना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पर, नागार्जुन श्री सैलम, सिमलीपाल उड़ीसा, पलामू झारखंड, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट में मुझे आंसर बताएं क्या होंगे। ठीक है, क्योंकि आप पे कमेंट में जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो चेंचू जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, काफ़ी फेमस है चेंचू करके, नाम भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। ठीक है, जो याद रखें यहाँ पर आंसर बताएं मुझे, चेंचू कहाँ मिलेगी एग्जैक्ट, ये कहाँ देखने को मिलती है आपको, नागार्जुन श्री सैलम आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना है आपका, जो नागार्जुन श्री सैलम है जो कि आपके आंध्र प्रदेश के पार्ट में देखने को मिला गया, ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है आपका। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखें आप यहाँ पर, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि प्रदेश देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो आपका नागार्जुन श्री सैलम है। ठीक है सो इसे ना बात करें, ये आपके आंध्र प्रदेश में ना आते हुए यहाँ पर कहाँ पर आता है, ये आप तेलंगाना में आता है। ठीक है, क्योंकि ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो चुका है। ठीक है सो पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश की नागर, आंध्र प्रदेश की जगह आप क्या लगाना है आपको आंसर, तेलंगाना। तो तेलंगाना के नागार्जुन सीसलम क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण संबंधित है। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और ये कौन सी भाषा बोलती है, चेंचू भाषा बोलती है। ठीक है, आप सीख लेना चेंचू भाषा कौन सी है ना। आगे बढ़ते हैं, माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन, माधव गाडगिल काफ़ी फेमस है यहाँ पर, और ये माधव गाडगिल की रिपोर्ट भी बनी है जो कि आपकी 2011-2012 से आई है। एक कस्तूरी रंजन समिति है, वो भी काफ़ी फेमस है। सो माधव गाडगिल की जो रिपोर्ट है उसका संबंध है आपके यहाँ पर पश्चिमी घाट को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सो मैंने बताया था आपको उससे पहले भी कि आपकी जो गोवा पीपल्स पार्टी है, तो उसने पश्चिमी घाट को बचाने के लिए यहाँ पे आंदोलन छेड़ा था, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। ठीक है सो याद रखना कि माधव गाडगिल का जो संबंध है पश्चिमी घाट बचाव से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य है युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, पर्यावरणीय कानून बनाना, पर्यावरण संरक्षण और ये सभी। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय हरित कोर जो है उसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। ठीक है सो याद रखें यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल से हुई है। ठीक है, तो ओजोन डे दोस्तों जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर से। ठीक है, अब ओजोन का जो पार्ट है वो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलके बना है। ठीक है, तो जो CFC गैस होती है आपकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो वो लगातार क्या कर रही है, इसको नष्ट कर रही है। ठीक है,
तकरीबन ऐसा बोला जाता है कि जो एक CFC है वो तकरीबन बराबर होती है आपके यहाँ पर 10,000 से लेके 1,00,000 O3 को नष्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब एक CFC जो है वो 10,000 से लेके 1,00,000 ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देता है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है तो याद रखें इसको यहाँ पर। ठीक है, सो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो प्रोटोकॉल हुआ है वो हुआ है आपके यहाँ पर कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है जो कि आपके कहाँ पर है, आपके कनाडा में आती है। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पर। तो इसका उद्देश्य ये है कि धीमे धीमे हम जो CFC की जगह उत्सर्जन को कम करके यहाँ पर HFC लेके आएंगे और फिर बाद में क्या आपका 2025 तक इसे ख़त्म कर देंगे। बट जनरली डेट कभी फुलफिल नहीं होती, तो ये धीमे धीमे आगे बढ़ती रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य ये है कि जितने भी ठंडा करने वाली मशीन है उसमें से CFC जो है उसको पूर्णतः क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर एक चीज़ और देख लो यहाँ पर कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका कब हुआ है, यहाँ पर 1987 में आया है। और इसको जो एप्लीकेबल किया है, मतलब ये एक्शन में जब से आया वो आया आपका यहाँ पर 1989 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव ईंधन का उद्देश्य क्या है, वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए, दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों बात करूँ यहाँ पर जैव ईंधन का जो उद्देश्य है वो आपका यहाँ पर है कि कम से कम हम क्या कर पाएँ, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकें। तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से ऐसा कुछ दिया नहीं है, क्योंकि जैव जो ईंधन होता है वो होता है आपके यहाँ पर क्या, बायोलॉजिकल फ्यूल। ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बायोफ्यूल होता है ये आपका, जैसे आपने नाम सुना होगा जेट्रोफा के बीज होते हैं, तो उनसे अपन लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि बायोफ्यूल तैयार करते हैं। तो ये क्या है कि आपका कम प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, सो अब कम प्रदूषण होगा तो जनरली क्या है कि आपका जो पार्ट है पर्यावरण वो सुरक्षित रहेगा। आप दोस्तों जनरली आप पेट्रोल पंप के पास भरवाने का भी जाओ तो आप देखो वहाँ पर लिखा होगा 10% एथेनॉल। क्या लिखा होगा आपका यहाँ पर, 10% एथेनॉल। तो 10% एथेनॉल जो है वो आपका एक बायोफ्यूल है। ठीक है, सो 90% पेट्रोल मिल रहा है आज की डेट में और 10% आपको एथेनॉल। ठीक है, ये जगह जगह पर नहीं, बट जैसे आप कहीं पेट्रोल पंप पर देखोगे तो वहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट का उद्देश्य यहाँ पर कि पेट्रोल के जो पार्ट है उसकी खपत को भी कम करना, जस्ट बिकॉज हमारे देश में तो पेट्रोल का पार्ट है नहीं, हम लोगों को बाहर से परचेज करना पड़ता है। तो सरकार का उद्देश्य है कि यहाँ पे एथेनॉल डाल के पर्यावरण को भी दूषित होने से बचाएं और यहाँ पे जो पेट्रोल की जो खपत है उसको भी क्या करें, देश में कम करें। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान लंबाई, सॉरी सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन पदार्थ करेगा। ऑप्शन वन है प्राकृतिक गैस, कैरोसिन, गैसोलीन और प्रोपीन। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको यहाँ पर कैरोसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक कौन सा है। ऑप्शन वन है राइजोबियम, एजोटा फैक्टर, सहजीवी संबंध और उपरोक्त सभी। सो दोस्तों बात करें यहाँ पर जैविक उर्वरक जो है वो खेती में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सो जैविक उर्वरक की बात करें ये किफ़ायती होने के साथ साथ ही क्या है, कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। राइजोबियम, एजोटोफैक्टर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, स्यूडोमोनास, वेसिलस है ना, और इत्यादि जो है वो कैसे हैं आपके यहाँ पर जैव उर्वरक है। ठीक है, सो ये जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पर उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। जैविक खेती के क्या फ़ायदे हैं। जैविक खेती यानी कि आपकी इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती, कौन सी खेती आपके यहाँ पर, ऑर्गेनिक खेती। यह किफ़ायती होती है, यह कम समय लेती है, इसमें कम मजदूरों की ज़रूरत होती है और उपरोक्त सभी। ठीक है, सो बात करें यहाँ पर जैविक खेती का जो पार्ट है ये काफ़ी किफ़ायती होती है पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ पर जो रहता है ना तो हमको यहाँ पर केमिकल जो मटेरियल है, जिस लाइक अपन बात करें यहाँ पर हम खाद यूज़ करते हैं और आप कीटनाशक जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो उनका यूज़ हमको यहाँ पर नहीं करना होता है। ठीक है, सो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा रहती है यहाँ पर और थोड़े से प्रोडक्शन भी कम होता है, बट आज की डेट में जैविक खेती का प्रयोग कर लोग बाग ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि किसान जो है वो जैविक खेती से अब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आपने नाम सुना होगा यहाँ पर कई सारी कंपनी है, जैसे एक कंपनी है आपकी यहाँ पर एम्बे कंपनी। ठीक है, सो
सो एमबी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक आ रहे हैं, तो अनाप शनाप दामों पर वो उसको बेच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसी प्रकार से कई कंपनियाँ हैं जो बायो ऑर्गेनिक के नाम से काफ़ी बड़ा बिजनेस मॉड्यूल अपना तैयार कर चुकी हैं, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप उन फ्रेंड को शेयर करें जो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि संविदा वक्त तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों इफ़ यू वॉन्ट टू डू टू ज्वाइन अ ऑफलाइन क्लासेस यानी कि आपको प्रिपरेशन करना है और आप मध्य प्रदेश में सबसे डेडिकेटेड कोचिंग को अगर सर्च कर रहे हैं, तो आप हम इंदौर में उन्नति अकेडमी में आके डेमो अटेंड करें। और आपको यहाँ पर 4 आवर की जो बैच का पार्ट है हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम कंप्लीट फोकस जो क्लास है वो आपकी संविदा वर्क 3 से चलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और स्टार्ट हो चुकी है सी क्लास, सो आप अगर चाहते हैं तो 2 डेज़ का यहाँ पर डेमो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।